वेलकम, मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जहाँ हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी सितारों की ज़िंदगी और उनके करियर से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। साल 2000 में गोधरा कांड ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। अब इसी पर आधारित एक फिल्म आ रही है, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, जिसमें इस घटना की पूरी कहानी बताई गई है, इसके पीछे की सच्चाई बताई गई है और साथ ही साथ किस तरह से इसके बाद उतार चढ़ाव आए, ये तमाम चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। इसकी स्टार कास्ट से हमने खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, साबरमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। साबरमती ट्रेन को जलाया नहीं गया सर, उनको जलने दिया गया। हजारों लोगों का मर्डर, गैंग रेप्स, ये साजिश नहीं है तो और क्या है? ये प्रशासन सिर्फ एक कहानी बना रहा है अपनी गैर जिम्मेदारियों को कवर करने के लिए सर। लेकिन अटैक साबरमती ट्रेन पर ही क्यों? कि जब वो अटैक हुआ तो आरपीएफ कहां था? गलती से जब उस ट्रेन में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड कहां था? इट वॉज नॉट ए कॉन्स्पिरेसी। विदा तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमेशा के लिए जा रही हूँ। साबरमती बर्निंग वाज़ नाइन लोग जिंदा जलाए गए, उनमें से एक का भी नाम जानते हो? सवाल कई हैं, साबरमती एक्सप्रेस में आग क्यों लगाई गई, इतनी सारी हत्याएं क्यों हुई, उस वक्त अधिकारी कहाँ थे, फायर ब्रिगेड कहाँ थी, वगैरह वगैरह। और अधिकारियों ने क्या अपनी कमी को छुपाने के लिए तमाम कहानियां गढ़ी। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए फिल्म आ गई है एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, और इस फिल्म की स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले शिवाक्ष, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि कितना सच और कितना मसाला? पूरा सच, जीरो मसाला। क्योंकि ये सवाल, जब ट्रेलर आपने देखा होगा, सरगया के डायलॉग है, 59 कार सेवक जले थे उसमें, मर गए थे, एक का भी नाम जानते हो? ये फिल्म उनके जस्टिस के बारे में बात करती है, उनकी इमोशन के बारे में बात करती है, उनकी फैमिली आज तक क्या सह रही है। कुछ फैमिली ऐसे हैं जो बच के निकले हैं, आज तक वो ट्रेन के हॉर्न से डरते हैं, ट्रेन के नाम से डरते हैं। वो सारे इमोशन कहीं ना कहीं गुजरात दंगे के बीच खो सा गया है। गोधरा कांड जब हमारे माइंड में आता है तो हम एक ही सवाल आता है कि गुजरात दंगा, क्लियर नहीं है लोग कि गुजरात दंगा अलग था, गोधरा कांड अलग था। ये फिल्म वो क्लियर करती है, गुजरात दंगा क्या था, गोधरा कांड क्या था। और ये फिल्म उन 59 कार सेवकों को पूरी इमोशन के साथ दिखाया जाता है कि उनके साथ हुआ क्या था, वो लोग एक निर्दोष थे, उनकी क्या गलती थी जो उनके साथ ये हुआ, अरे इनकी बातें क्यों नहीं होती हैं, आज तक 22 साल हो गया कभी बात नहीं होती उनकी। और जनरली जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत कम लोगों को पता होगा, 59 में से एक का भी नाम किसी को नहीं पता होगा। लेकिन वही गुजरात दंगे के बारे में हर किसी को पता होगा, नाम पता होगा, मीडिया कवरेज होगी, इजली मिल जाएगी, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट क्यों छुपाया गया, क्यों दबाया गया? ये फिल्म ये कहती है कि दंगा हमेशा गलत है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए उसके रीज़न पर हम बात करें, पहले रूट पर बात करें कि हुआ क्या था एक्जैक्टली, फिर दोबारा ऐसे कभी ना हो ऐसे दंगा। तो कितना रिसर्च आपको इसके लिए करना पड़ा और इस रिसर्च के दौरान किस प्रकार से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, वो भी बताइए। रिसर्च ज़्यादातर हम रिसर्च जुडिशरी मेंबर से हमने बहुत सारा किया, नानावाड़ी मेहता कमीशन के थ्रू, SIT, UC बनर्जी रिपोर्ट्स, बहुत सारे रिसर्च किया। और जो विक्टिम की फैमिली थे उनके साथ अगर मैं बात करूँ तो उनसे जो हमें ज़्यादा मिला, कहने इमोशंस बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि हम घंटों बैठ के बातें कर रहे थे, बात नहीं हो रही थी, बस उनकी आँखों में आंसू था,
हम बैठे थे, वो आंसू में बहुत सारे दर्द थे, बहुत सारे इमोशंस था। आप जितना कलेक्ट कर पाएँ कलेक्ट कर सकते हैं, वो मतलब बहुत एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और हमने पूरी कोशिश की है पूरी ईमानदारी के साथ, सर अक्षिता जी और हमारे 5 साल तक जो कंटिन्यू हमारे साथ थे, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनका विजय पुरोहित सर, जो इस फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं, उनका साथ हमेशा रहा कि नहीं सच को दिखाना है चाहे मुश्किल कुछ भी हो। और मुश्किलें आई, बहुत सारी आई, आज तक आ रही हैं, फिर भी हम लोग खड़े हैं और 19th को हमारी फिल्म आ रही है। हमारे साथ हितु कनौरिया जी हैं जो कि इस फिल्म में एक्टर हैं और काफ़ी अच्छा किरदार निभा रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ घटनाएं देखिए ऐसी होती हैं जो सदियों तक, दशकों तक, सदियों तक दिलों पर, दिमागों पर असर करती हैं। आपने ऐसी घटना को चुनाव करते समय क्या सोचा कि ऐसी घटना को सामने लेकर आना चाहिए और वो भी इतने सालों के बाद? जी डेब्यू है मेरा, मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म है, बाकी बहुत सारी गुजराती फिल्मों में काम कर चुका हूँ। आपने शैतान देखी होगी अभी अजय देवगन की, वो वश गुजराती फिल्म थी जो जिसमें से राइट्स लेकर के जो मैंने रोल गुजराती में किया था वो अजय साहब ने किया है शैतान में। तो ये सिलेक्ट करना ये फिल्म को, क्योंकि गुदरा कांड का सच दबाया गया था, उसे बाहर लाना बहुत ज़रूरी था, ये मैं बखूबी जानता था। और दूसरा, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ स्टेशन मास्टर देश पांडे, हकीकत में आज भी वो है, उनके परिवार, उनकी बीवी, उनका बच्चा जल गए थे उसमें। और द वे ही इज़ राइट नाउ, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, बहुत कम बात करते हैं। 2 घंटे हमारे शिवाक सर उनके साथ बैठे थे, हमारे डायरेक्टर साहब, कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, खो गए थे, ख़त्म हो गए थे। वो किरदार करने की जब मुझे इन्होंने ऑफर किया तो आई वॉज रियली इंटरेस्टेड एंड आई डिड इट। डैनिशा घुमरा भी हमारे साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डैनिशा, सबसे पहले तो आप अपने रोल के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप एक सर्वाइवर का रोल जो है वो प्ले कर रही हैं, किस तरह का ये रोल है और कितनी मुश्किलें आपको आई? जी मेरा जो किरदार है वो हितु सर की वाइफ प्ले कर रही है मैं, और मेरा जो 10 साल का बच्चा है, हम मेरे पड़ोसी हैं तुलसी बहन, हम सब लोग जाते हैं यज्ञ में। और हालांकि पता था कि जब वापस आते हैं तब ये हादसा होता है साबरमती ट्रेन के साथ, पर मुश्किलें ज़्यादातर ये चीज़ की थी कि जब से मुझे पहले दिन का जो मेरा शूट था उस तब से मैं सोच रही थी कि जब हम ट्रेन वाली सीक्वेंस शूट करने वाले हैं आग के साथ, तो मैं वो कैसे करूँगी, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंड करना सिर्फ इमेजिन करके कि अगर आपकी पूरी बॉडी जल रही है तो वो कैसा दर्द होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है सिर्फ सोचना। आप क्योंकि आपने महसूस नहीं किया, हमने कभी इतना जले नहीं हम कि हमको पता कि ये फीलिंग कैसी है। तो आई थिंक वो सीन्स शूट करने बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, और इमोशनली भी, और ऑफकोर्स हालांकि आग थी आपके सामने तो फिज़िकली तो वो ड्रेनिंग थे ही, पर उसके साथ साथ इमोशनली भी देवर रियली रियली ड्रेनिंग। एंड हमारी पूरी टीम ने, हमारे जो एक्शन मास्टर्स थे उन्होंने बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ हमने ये शूट किया है, पर यही है कि वो तो हमने शूट किया है, ये बात असल है कि ये हुआ था। और ये सोचना कि 59 लोग इस घटना में जल गए थे वो बहुत ही भयावह है। एंड या अक्षिता, आपने उन लोगों से भी जाके मुलाकात की है जिनके साथ ये हादसा हुआ, उन लोगों से बात की है, कैसा एक्सपीरियंस वो और आपका रोल निभाते समय क्या कुछ? मैम एक्चुअली जिस वक्त मैं रिसर्च पे थी उन लोगों के साथ जाकर बात कर रही थी, क्योंकि एक ऐसी बेटी से मैं मिली जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी दो बहनों को और अपनी माँ को जलते हुए देखा है। उस लड़की से जाकर जब मिले तो वो लड़की मतलब सिर्फ और सिर्फ चीखे मार रही और ऐसी होता स्टक हो जाना, लाइक कि अभी मैं क्या बोलूँ आगे, ठीक है। तो उस लड़की से जब मिले तो उससे देखा कि यार पेन इसे कहते हैं कि वो कुछ नहीं बोल पा रही, वो चुपचाप है, वो लड़की भी कुछ बोल नहीं पा रही क्योंकि अपनी माँ को और अपनी दो बहनों को उसने खोया है, लाइक वो थोड़ी ऐसे हो गई है। एक ऐसे बेटे से भी हम मिले जो अपनी 20 ईयर्स मतलब 20 साल का वो लड़का था, जब उसकी माँ ने मतलब उस कार सेवकों में उसकी माँ थी और उसकी माँ उसमें ट्रेन में जल के वो भी नहीं रही। क्या होता है ना, जब आप रियल कैरेक्टर प्ले करते हो तो लाइक कि उसको फील करते हो आप, है ना,
अगर जब हमें थोड़ी सी चोट लगती है तो हमारी माँ की चीखें निकल जाती, बिकॉज मैं माँ नहीं हूँ ना, तो मुझे वो नहीं पता था। लेकिन जिस वक्त मैं इस कैरेक्टर में घुसी, इस कैरेक्टर को जब मैं कर रही थी, मेरे हाथ में सिक्स मंथ का बेबी था, और आपको पता है उस बच्चे से इतना प्यार हो गया कि जब मैं मेरे सामने पूरी ट्रेन में आग लग जाती है, तो उस वक्त मैं ऐसा महसूस कर रही होती हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो मरी जाऊँगी, पर मेरा बच्चा, अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने जल जाता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो अब आप ये बताइए उनके साथ क्या हुआ होगा जिस माँ ने बच्चे को कैरी किया था, जो अपनी दो दो बेटियों के सामने जल गई, जो अब जिसका बच्चा निकल रहा है और चले गए कि उसकी आंखों के सामने फैमिली, और वो सामने वाला अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया, और उधर वो चिल्ला रहे, इधर उसकी फैमिली मर गई उसके सामने। तो मैं एक माँ थी, मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ। आप उस कैरेक्टर को निभा के जो फील कर रही हैं, प्रोड्यूसर साहब से बात कर लेते हैं आप। देखिए ऐसे जो तथ्य जब सामने आते हैं तो कहीं सवाल उठते हैं, कई बवाल भी होते हैं, तमाम चीज़ें सोची होंगी आपने कि इसके बाद में भी कई सवाल खड़े होंगे, ये सब सोचने के बाद कितना मुश्किल रहा आपको ये बनाना? क्योंकि मुश्किल तो होता ही है अभी, क्या करें ऐसी फिल्में, और हमको सत्य उजागर करना भी ज़रूरी था, क्योंकि इतने हमने ऐसा इतना रिसर्च किया तो उसमें सत्य पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी और उसको दबाया गया, तो हमने भी सोचा कि इसको उजागर तो करना ही चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए, युवा पीढ़ी को जिसको नहीं पता है उनको बताना चाहिए, और हम उसको बताएंगे तो बाद में ऐसी घटना कोई नहीं घट गई। इस फिल्म में एक वो व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इस पूरे केस को, सरकार की तरफ से केस को लड़ा था, और इस फिल्म में वो जज का किरदार निभा रहे हैं। तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जब आप रियल कोर्ट रूम में ट्रायल में होते थे, वो एक्सपीरियंस, और जब अब आपने फिल्म की, तो कितना सत्यता, कितना तथ्य आपको इसमें नज़र आया? मैं इतना कहूँगा कि इस फिल्म में साबरमती का सत्य दिखाया गया है और सत्य का तथ्य का निरूपण किया गया है, फिल्मांकन किया गया है। ट्रायल कोर्ट में या कमीशन में या समाज में पीड़ित लोगों के साथ, बलिदानियों के परिवारों के साथ जो कुछ भी घट रहा था उनके जीवन में और समाज में, वो जो मैंने दर्द महसूस किया है, अनुभव किया है, और जब फिल्मांकन हो रही थी फिल्म, तब जो कुछ भी फिल्मांकन होता जाता था वो 100% सत्य है, सत्य दिखाया गया है। हम प्रेक्षकों को यही विनंती करेंगे कि आप फिल्म देखिए और साबरमती का सत्य जानिए। एक चीज़ कहते हैं कि कोर्ट रूम ड्रामा देखने में बड़ा मज़ा आया, या कोर्ट रूम ड्रामा में ये, लेकिन ये जो है ये कोर्ट रूम ड्रामा ना होकर रियल कोर्ट रूम लगेगा। हाँ बिल्कुल, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर कहूँ कि सभी प्रेक्षकों को ये लगा, बल्कि मैं अपनी नहीं, हमने दो प्रीमियर शो किए, एक गोधरा में और एक अहमदाबाद में। दोनों प्रीमियर शो के प्रेक्षकों का जब अभिप्राय हम लोगों ने फिल्म के बाद उनसे पूछा, तो वो कहते थे कि हमें तो ये लगा कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसी S6 बोगी में यात्रा कर रहे हैं, और जो कुछ भी घटना हुई वो हमारे साथ घटित हुई, भाग्यवश हम बच गए, ऐसा लग रहा है हम फिल्म के बाहर आ गए हैं, परंतु हमें सवा दो घंटे तक यही लगता रहा कि बस हम उसी बोगी में यात्रा कर रहे हैं, बोगी पे स्टोन थ्रोइंग हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, बोगी को जलाई गई है, हमारे साथ के यात्री जल रहे हैं, हम भाग्यवश बच गए हैं और बोगी से, बल्कि फिल्म से बाहर आए हैं। ये उन लोगों का अभिप्राय था, वही मैं आपको कहना चाहूँगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब ये जो टाइमिंग है, इसे लेकर भी सवाल है कि अब क्यों, 22 साल बाद बहुत लेट हैं हम, मैं वही कह रहा था, और ये इतना इजी टॉपिक नहीं था कि हम एक साल के अंदर या दो साल के अंदर बनाना, बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स थे, बहुत सारे तर्क थे, बहुत लोगों का विचारधारा बिल्कुल अलग अलग थी इस मुद्दे पर, और सबसे पहले इस मुद्दे पर बहुत सारी चीज़ें हो रखी है, इंटरव्यू वगैरह, तो रिसर्च करना ही बहुत मुश्किल था क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि कोई बात ही नहीं करना चाहता इस पर, तो सच क्या है ये जानना बहुत मुश्किल है। जब हम गए थे
पीड़ित के फैमिली के पास, तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था बहुत दिन तक। तो कन्विंस करना कि हम सच के साथ हैं, हम फिल्म बना रहे हैं, तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे हमसे। वो बहुत टाइम लगा मुझे उनको उस इमोशन को लाने में, उनके इमोशन को समझने में, क्योंकि वो कभी नहीं बात करना चाहते इस मुद्दे पे, क्योंकि कभी कोई मीडिया या कोई भी एनजीओ या कोई भी ऐसी संस्था उनके पास नहीं गई, आज तक नहीं गई उनके हेल्प के लिए। कुछ कुछ गए, अब भी गए हैं कुछ दिन पहले, लेकिन बहुत पहले तक उनको बिल्कुल हटा दिया गया था। तो ये हम लोग बहुत लेट हैं जी, देर से ही सही, लेकिन सच दर्शकों के सामने है। ये देखकर दर्शक ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सच है और कितना मसाला है। अब हम जिक्र करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कॉमेडी लेजेंड की जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कॉमेडी को एक नया आयाम दिया। हम बात कर रहे हैं जॉनी वॉकर की। जॉनी वॉकर जिन्होंने अपनी चुलबुली अदाकारी से चंपी और तेल मालिश जैसे गीतों को अमर बना दिया। जॉनी वॉकर जो इतने शानदार कलाकार थे कि गुरुदत्त अपनी स्क्रिप्ट में उनके लिए बदलाव किया करते थे, ओपी नैयर उनको जहन में रखकर अपने गीत की धुनें लिखा करते थे और मोहम्मद रफ़ी उनके लिए गीत गाया करते थे। जॉनी वॉकर जो शराब की एक्टिंग बहुत अच्छी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया था, और उनकी इसी बेहतरीन अदाकारी की वजह से गुरुदत्त ने उनको नाम दिया जॉनी वॉकर। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसे किया दाओ कि मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। लेजेंडरी एक्टर बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी उर्फ जॉनी वॉकर, 11 नवंबर 1926 इंदौर में जन्मे जॉनी वॉकर साहब, 15 लोगों से भरा हुआ एक घर और जबरदस्त गरीबी के बीच बचपन बिताया। इन्होंने तरह तरह के काम किए, मुंबई बीएसटी में कंडक्टर बने, लोगों को टिकट देने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करते थे। इनकी बातें लोगों को बहुत पसंद आती थी। एक बार मशहूर कलाकार बलराज साहनी इनकी बस में ट्रेवल कर रहे थे, तभी उनका ध्यान जॉनी वॉकर साहब पर गया। जॉनी वॉकर का अंदाज बलराज साहनी को बहुत पसंद आया, तो बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर को कहा कि वह गुरुदत्त से जाकर मिले। जब वह गुरुदत्त से मिले तो गुरुदत्त ने उन्हें एक शराबी की एक्टिंग करने को कहा। जॉनी वॉकर साहब ने वो किरदार इतने बेहतरीन ढंग से निभाया कि गुरुदत्त जी ने उनका नाम रख दिया जॉनी वॉकर। यूं तो जॉनी वॉकर साहब ने अनेकों फिल्मों में काम किया है, मगर उनकी कुछ फिल्में जैसे बाजी, आर पार, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेस बचपन, सीआईडी, प्यासा, नया दौर ने उन्हें अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। ये वो समय भी था कि जब सिर्फ हीरो और हीरोइन के लिए ही गाने कंपोज किए जाते थे, लेकिन जब जॉनी वॉकर साहब ने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा तो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब ने जॉनी वॉकर साहब के अभिनय और पर्सनालिटी को देखते हुए कई गाने कंपोज किए, जिन्हें गाया था बेहतरीन गायक मोहम्मद रफी साहब ने। कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिल मिलता है, यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल, कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिल मिलता है, यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। जॉनी वॉकर गुरुदत्त को अपना मेंटोर और अपना गुरु समझते थे। एक बार कोलकाता में इन दोनों ने एक तेल मालिश करने वाले को मालिश करते देखा, तब गुरुदत्त साहब ने जॉनी वॉकर से कहा कि इस तेल मालिश वाले को गौर से देखो, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्म में तुम ऐसा ही एक किरदार निभाओ, और इस तरह हमें एक आइकॉनिक गाना सुनने को मिला, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। गुरुदत्त साहब की अचानक मौत से जॉनी वॉकर काफी उदास थे, तब उन्हें सपोर्ट किया सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब ने, और शमी कपूर जी से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी।
ये बात सही है कि जॉनी वॉकर साहब को अपने कॉमेडी वाले अंदाज के लिए जाना जाता है। के खाल तक जाए। उनकी आखिरी यादगार फिल्म थी चाची 420, जिसमें उन्होंने एक शराबी मेकअप मैन का किरदार निभाया था। 29 जुलाई 2003 में ये कॉमेडी का बादशाह हमें छोड़कर चला गया। यकीनन ब्लैक एंड व्हाइट जमाना हो या बदलते दौर का कलर सिनेमा, इन्होंने हर युग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और युगों युगों तक जब भी कोई उनकी फिल्में देखेगा तो मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाएगा। अरे गधे, दिखाई नहीं देता सूरज निकला हुआ है। किधर से? पूरब से। झूठ, अव्वल तो ये सूरज नहीं और अगर सूरज है तो पूरब नहीं। चल तो जल तू जलाल तू फायरे कबर तू फिल्में देखना भला किसे पसंद नहीं है। फिल्में जो मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा साधन है, और अगर कोई ऐसी फिल्म आने वाली है जिसमें आपका कोई पसंदीदा कलाकार आने वाला है, जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या। तो आइए नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी फिल्में सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही हैं और कौन सी जल्द ही आने वाली हैं, ताकि आपकी बेसब्री थोड़ी सी ख़त्म हो। रायन, जंगल में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा होता है पता है? हाँ, शेर होता है। जंगल में सबसे ताकतवर शेर हो सकता है, लेकिन उससे बुद्धिमान होता है लकड़बग्घा। तमिल सुपरस्टार धनुष की बहु प्रतीक्षित 50वीं फिल्म रायन जल्द ही उनके फैंस के लिए आने वाली है। लेकिन चालाकी में लकड़बग्घा तेज होता है। लकड़बग्घे झुंड में आकर शेर को घेर के उसे मार सकते हैं। रायन धनुष की दूसरी निर्देशित फिल्म है और बतौर अभिनेता उनकी 50वीं फिल्म है। भूतिया साई की तरह आएगा। धनुष ने खुद अपने आधिकारिक हैंडल पर फिल्म के शानदार पोस्टर के साथ रिलीज की तारीख का खुलासा किया। अपनी गोल्डन जुबली फिल्म को लेकर उत्साहित धनुष ने कहा, रायन की रिलीज मेरे करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे पहले अभिनेता ने फिल्म का पहला गाना जारी करके प्रशंसकों को फिल्म की झलक दिखाई, जिसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और साथ ही फिल्म का ट्रेलर भी दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रहा है। फिल्म में धनुष मुख्य भूमिका में है, जो आपराधिक अंडरवर्ल्ड की कहानी बयान करती है। जंगल में सबसे ताकतवर शेर हो सकता है, लेकिन उससे बुद्धिमान होता है लकड़बग्घा। फिल्म एक साधारण युवक के बारे में है, जो अपने परिवार की हत्या का बदला लेना चाहता है। ये फिल्म अलग अलग भाषाओं में 26 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। लेकिन तेरे को श्योरिटी नहीं है कि वो कल तेरे से बाहर मिलने आएगी या नहीं, है ना? साले इसीलिए तेरे को यहाँ से बाहर जाना ही नहीं। मेरे को पक्का पता है कि कल वो इस जेल के बाहर मुझे मिलने नहीं आएगी। जहाँ से चले थे वही। फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज कलाकार अजय देवगन और तब्बू का कॉम्बिनेशन देखने के लिए दर्शक उनकी आगामी फिल्म औरों में कहां दम था का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर जो एक दमदार शायरी से शुरू होता है, इसे देख उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। बॉलीवुड में अगर किसी स्टार को बिना शक के मास सिनेमा का हीरो कहा जा सकता है, तो वो बिना शक अजय देवगन है। और सिर्फ अपनी प्रेजेंस से स्क्रीन पर जादू कर देने वाली तब्बू के साथ उनकी जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में से एक है। और उन्हें कहा दम था कि डायरेक्टर नीरज पांडे हैं, जिन्हें अवेनेस डे, बेबी और स्पेशल 26 जैसी थ्रिलर फिल्मों के लिए जाना जाता है। अजय और तब्बू के साथ वो पहली बार एक लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं।
अब देखना ये है कि उनकी ये फिल्म कितनी कामयाब रहती है। ये फिल्म 2 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। तो सिनेमा के दुनिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और अपडेट्स लेकर और आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।